नमस्कार, मेरा नाम सुलेखा कुमारी सिंह है। मैं आर्चरी करती हूँ 2008 से। मैंने इंटरनेशनल खेल के रखा है और यूथ ओलंपिक जो 4 साल में एक बार आता है उसका क्वालिफाई भी किया था। तो मैं आपको आज रिकर्व आर्चरी के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको रिकर्व आर्चरी के बारे में बताने वाली हूँ। आर्चरी में ऐसे 3 प्रकार के बो आते हैं, एक इंडिया राउंड, एक कंपाउंड और रिकर्व। जो रिकर्व है जो मैं चलाती हूँ, इसको रिकर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो लीव होता है ऊपर में कर्व बना रहता है, इसलिए इसको रिकर्व बोला जाता है। तो रिकर्व का पार्ट्स में सबसे पहले मैं स्टैंड के बारे में बताना चाहती हूँ। ये स्टैंड है जो हम बो को उसके ऊपर रखते हैं। उसके बाद आ जाइए बो के ऊपर, तो ये हैंडल है। हैंडल हमारे हाइट के हिसाब से सेट होता है कि अगर आपकी हाइट 5'3" है, 5'4" है, तो उस हिसाब से इसके इंचेस आते हैं, 25, 30, 35 एवं लास्ट 45 तक जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा हाइट किसी का नहीं रहता है। उसके बाद आ जाता है ये लिप, इसमें भी आपका हाइट के हिसाब से सेट होता है। मैं 36-38 चलाती हूँ, मेरा हाइट 5'3" है। अगर मेरा हाइट इससे ज़्यादा होता तो इसका पाउंडेज 68-38 हो जाता। अब मैं बताने वाली हूँ आपको लॉन्गबर के बारे में। ये लॉन्गबर है जो हम अब बो को खींच के छोड़ते हैं, ये एरो को बैलेंस करता है। ये भी जो हमारे लेफ्ट राइट होते हैं, हाथ हिलते हैं, उसको बैलेंस करते हैं ये बो। ये और ये आ गया साइकिल जो हम चलाते हैं तो दूर से मिलाने में हमें, ताकि मतलब एमिंग लेने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, अगर आप 70 मीटर चला रहे हो तो उतना नीचे जाएगा, आप अगर 50 मीटर चला रहे हो तो ऊपर जाएगा। अभी मैं 50 मीटर में चला रही हूँ तो मेरा साइकिल यहाँ पे है, 6 पे है। इसमें नंबर भी बना हुआ रहता है कि आपका हाइट जिस हिसाब से है उस हिसाब से नंबर सेट होता है, यहाँ पे नंबर सेट होता है। उसके बाद आ गया है क्लिकर। जब हम एरो को इस प्रकार से लगाते हैं तो ये हमारा जो खींचने का रिदम है वो हमें कंट्रोल बताता है, क्योंकि एक जैसा हमेशा खिंचाता नहीं है। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि हाँ, मेरा इस यहाँ इस पॉइंट पे आके रुका है। इस पॉइंट पे आके रुकते ही हम अपना कंट्रोल कर लेते हैं, अपना मतलब हाथ वगैरह पे। उसके बाद जब यू क्लिक होता है तो हम इसको छोड़ देते हैं, ताकि इसमें भी बैलेंस बहुत ज़्यादा मिलता है। ये हो गया एरो रेस। इसमें हम एरो रख के मारते हैं, एरो इस प्रकार से रख के मारते हैं। और ये हो गया प्लांजर बटन। इसमें हमारे एरो जो पुश होता है ताकि इधर उधर फेंके ना, इसको कंट्रोल करता है। अब आ जाइए, ये लुक है, ताकि स्ट्रिंग को जो लगे वो यहाँ पे ख़राब ना हो, और मतलब ये जो धागा है काफ़ी निकले ना। ये मिडिल सर्किल है, इसमें हम स्मोकिंग पॉइंट वगैरह बनाने में, मिडिल से पकड़ने में हमारी काफ़ी सहायता करती है, इसलिए हम लोग इसको बना के रखते हैं नाप के। और ये 6 इंच का होता है। ये आ गया है स्मोकिंग पॉइंट, इस पर हम एरो को इस प्रकार से फंसा के मारते हैं, और मतलब इस पर सेट होता है। अगर ये काफ़ी नीचे हो गया तो आपका एरो ऊपर जाएगा, ऊपर हो गया तो एरो नीचे जाएगा। इसको हम लोग बो स्केल ले रहा है, बो स्केल से नाप के बनाते हैं कि अगर आपकी एरो, मेरा एरो 750 है तो ये मैच नहीं करता, इसलिए मैं इसको खुर पे ही बना के रखती हूँ। और इसमें बेसिंग हाइट भी 23 का रखती हूँ। अब आ जाइए आप टीशर पे। टीशर हमें एक एक तरह से एक जगह में फुल होने के लिए टीशर हमारा हेल्प करता है। एक जगह पे बार बार आए ताकि इधर उधर स्ट्रिंग ना बैठे, ये हमारे हेल्प करता है, बहुत काफ़ी हेल्प करता है। ये हमारा एरो है। ये नोक हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें फंसाने से हमें दिक्कत ना हो और मारे। फ्लेच हवा बैलेंस करने के लिए, हवा काटने के लिए होता है।